कुछ दिनों से राज्यसभा लोकसभा में हो रही नेताओं की बयानबाजी के बीच देश अगर किसी और नेता को सुनना चाहता था तो वो थी सुषमा स्वराज जी। गत दो दिनों से देश को उनके सदन में ना होने की कमी कुछ ज्यादा ही खल रही थी और अभी अभी उनके दुखद निधन की खबर आई तो पूरे देश को उनके इस दुनिया में ना होने की कमी खल रही है। उनके निधन से मन स्तब्ध जरूर है, लेकिन एक संतुष्टि भी है कि दुनिया से विदाई के ठीक पहले उनका एक स्वप्न जरूर पूरा हो गया। मानो उनकी सांसें भी कश्मीर से धारा 370 हटाने का पल देखने का इंतजार कर रही थी। सरकार के इस निर्णय पर सुषमा जी ने शाम को ट्विटर के माध्यम से मोदी जी को बधाई देते हुए लिखा था कि आपका हार्दिक अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। खातेगांव कन्नौज विधानसभा के भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने दीदी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम जैसे अनेक सैकड़ों छोटे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मार्गदर्शन दिया और ऊंचाइयों तक पहुंचाए, विदेशिया सांसद क्षेत्र में 10 साल उनके साथ काम करने का अनुभव रहा जिसमें उन्होंने विदेशिया सांसद क्षेत्र में विकास की नई गंगा बहाई है। उनके जाने से राष्ट्र ही नहीं अपितु हर एक कार्यकर्ताओं को उनके निधन से गहरा सदमा लगा है। उनकी ओजस्व वाणी, उनके किए विकास कार्य हमें हर पल याद आते रहेंगे। हमारे क्षेत्र की नल जल योजना हर खेत पानी में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब जब जल योजना का पानी घरों में पहुंचेगा सुषमा जी हमें याद आती रहेंगी। ऐसे अनेकों विकास कार्य उनके द्वारा हमारे संसदीय क्षेत्र में किए गए हैं। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें शत-शत नमन करता हूं। विदेशिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने भी विदेशिया की पूर्व सांसद सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी प्रखर वक्ता जिन्होंने हमेशा अपनी ओजस्वी वाणी से विदेश में अपना वो भारत का परचम लहराया, उनका आकस्मिक निधन होना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं कांग्रेस परिवार अपनी ओर से श्रीमती सुष्मिता स्वराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं पूर्व मंडलीय अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश यादव एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रजनी यादव ने सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हम और नगरवासी सौभाग्यशाली रहे कि हमें सुषमा जी जैसी देशभक्त और विकासवादी नेता मिली जिन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास में अहम योगदान दिया, हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। समाचार पत्रों में आज पढ़ा और कल रात से सभी समाचार चैनलों पर जब ये समाचार कि उन्हें बेहद गंभीर स्थिति में एम्स में भर्ती किया गया है, पूरे क्षेत्र में एक बेचैनी थी और हम सब ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है, ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। आज मैं उनके निधन पर अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, समस्त कांग्रेसजनों की ओर से शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ एक छोटा सा दृष्टांत जरूर सुनाऊंगा कि जब वो बागदी नदी के पुल के शुभारंभ के अवसर पर खातेगांव पधारी थी, आने के पूर्व उनका फोन मेरे पास आता है और कहती हैं कि कुंडल जी आपको इस प्रोग्राम में ज़रूर उपस्थित होना है और आज उपस्थित होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सुन के ही लगा कि इतने बड़े स्तर के राजनेता एक विरोधी पक्ष के एक साथी से अगर गुजारिश करती हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हमको सीखना चाहिए। और ख़ास करके उसके बाद उनका उद्बोधन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री तत्कालीन का उद्बोधन एक यादगार उद्बोधन था जिसने समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया था कि राजनीति सही मायने में इस तरह से हो सकती है। वो हम सबके लिए आदर्श थी। ये क्षति सिर्फ विदिशा लोकसभा की नहीं है, संपूर्ण देश की है। एक प्रखर वक्ता के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में लोग उन्हें जानते थे। आज इस अवसर पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और कांग्रेसजनों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इतनी हिम्मत, इतना हौसला दे कि वो इस दुख को झेल सकें। ओम शांति शांति शांति। जितनी बड़ी नेता थी उतना ही बड़ा उनका दिल था। हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को खातेगांव के एक सामान्य से कार्यकर्ता की छोटी सी छोटी समस्याओं को भी दृष्टिगत रख के उसके समाधान के लिए काम करती थी। दिल्ली में जब वो बड़ी नेता होती थी लेकिन जब क्षेत्र में आती थी
एक सामान्य सांसद के रूप में उनका व्यवहार रहता था। विकास की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो उन्होंने विदिशा संसदीय क्षेत्र को दी, वो अपने आप में उन्हीं के बस की बात थी। जब इंदौर बुधनी रेल लाइन चलेगी, जब नहरों का पानी लोगों के खेतों तक पहुंचेगा, तब हर क्षण सुषमा स्वराज जी की हमको याद आएगी। वो एक माँ की तरह, एक दीदी की तरह मेरे जीवन से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी थी। लगातार मैं उनके संपर्क में रहता था और हमेशा उनका स्नेह राजनीति के हर क्षेत्र में मिलता था। किसी को भरोसा नहीं था कि इस तरह से वो हमारे बीच में चले जाएंगी। वो कर्मठ महिला तो थी, साथ ही साथ दृढ़ इच्छा शक्ति भी उनके अंदर थी। इस कारण इतनी असहनीय बीमारी को उन्होंने सहन करके और वापस से जीवन को प्राप्त किया था। लेकिन इस तरह वो अपने बीच चले जाए बीच से चले जाएंगे, ऐसी कल्पना हमको नहीं थी। उनके निधन की क्षति पार्टी के लिए, देश के लिए तो अपूर्णीय है ही है, व्यक्तिगत तौर पर इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उस क्षति को बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ। दीदी जैसा व्यक्तित्व तो वर्षों में भारतीय राजनीति में जन्म लेते हैं, जैसा कि उनका आज निधन हुआ, पूरी पार्टी शोक संतप्त है, पूरा विदिशा संसदीय क्षेत्र शोक में डूब गया है। मैं अपनी ओर से भी दीदी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपने जीवन में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।